श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन्मल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री यमुना चतुर्भ्याम नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक क्षत्रिय वैष्णव आगरे में रहत हतो, ताकि वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये राजेश भक्त हैं, लीला में इनको नाम नागर रंजनी है। सो नागर जो श्री ठाकुर जी तीन के मन को ये रंजन करत हैं। ये ब्रज मंगलाते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग एक। सो वाके आगरे में बजाज की दुकान हती। सो वाके यहाँ वस्त्रन को व्यापार हतो। सो वाके वस्त्र बहुत ही उत्तम ते उत्तम आवते। सो श्री गुसाई जी एक समय आगरा पधारे। सो मार्ग में याको श्री गुसाई जी के दर्शन भये। सो दर्शन होती याके मन में आई, जो इनको सेवक हूँ तो आछो है। पाछे श्री गुसाई जी आप तो रूप चंदनंदा के घर पधारे। तब यह क्षत्रिहु रूप चंदनंदा के घर आयो। पाछे श्री गुसाई जी सो विनती कियो, जो महाराज मोको अपनो सेवक कीजिए। तब श्री गुसाई जी इनको देवी जीव जानी नाम सुनाए। ता पाछे दूसरे दिन निवेदन कराए। पाछे श्री गुसाई जी आप वा क्षत्रिशो कहे, जो वैष्णव तुम रूप चंदनंदा को संग करियो, ताते तुम्हारो कल्याण होएगो। तब यह क्षत्रिय नित्य रूप चंदनंदा के घर जातो, भगवत वार्ता सुनतो। पाछे श्री गुसाई जी तो कछुक दिन में श्री गोकुल पधारे। सो यह शरणी आयो। तब वाके मन में यह मनोरथ भयो, जो हो श्री गुसाई जी के सब बालक बहु बेटीन को उत्तम ते उत्तम वस्त्र पहराऊं। सो वाकी हाट में तो वस्त्र उत्तम ते उत्तम बहुत आवे। सो सारी जरीन की तथा गुजराती खीन खाब तथा जरीन के थान सो सब जूदे काढ़ी के धरे। सो सब बरस दोई तीन में दोई गाठी भरी के जो वस्त्र भीले किए, सो एक में पुरुष के पहरवे को वस्त्र और दूसरे में स्त्रीन के पहरवे को वस्त्र। सो गाठी दोई न्यारी न्यारी करी के वह क्षत्रि वैष्णव बजाज दो गाठी वस्त्र की लेके आगरे सो चलियो। सो श्री गोकुल आयो। सो श्री गुसाई जी गादी तकिया पर बिराजे हते। सो वह क्षत्रि वैष्णव आई के श्री गुसाई जी को साष्टांग दंडवत कियो। तब श्री गुसाई जी आपू वासो पूछे, जो तू कब आयो। तब वह वैष्णव क्षत्रि ने कहो, जो महाराजाधिराज आगरे ते अभी आवत हूँ। सो महाराजाधिराज मोको बहुत ही दिन ते महाराज के दर्शन को मनोरथ हतो, जो मैं अब के सब बालक बहु बेटीन सबन को उत्तम ते उत्तम वस्त्र पहराऊँ। सो महाराजाधिराज बहुत दिन में वस्त्र इकठोरे कीने हैं। सो महाराज आप अंगीकार कीजिए। तब श्री गुसाई जी ने कहो, जो वह गाठी कहाँ है लियाऊ, जो सब वस्त्र वस्तु देखे। तब वह क्षत्रि वैष्णव दो गाठी मंगाई के श्री गुसाई जी के आगे धरी। श्री गुसाई जी ने दो गाठी खोली के देखी। सो वे वस्त्र सब देखी के उत्तम ते उत्तम श्री गुसाई जी आपू बहुत ही प्रसन्न भये और श्री मुक्ते कहे, जो वस्त्र तो श्री स्वामिनी जी लायक है। सो एक गाठी वस्त्र की श्री स्वामिनी जी के वस्त्र की हती, तामे जरी के थान और धरी के वह गाठी श्री यमुना जी के मध्य धारा में पधराई दीनी। पाछे दूसरी गाठी हूँ पधराई दीनी। तब वह क्षत्रि वैष्णव तो बहुत ही सोच करन लाग्यो और अपने मन में कही, जो ऐसे मैंने अपनो मनोरथ कियो है। सो कीतेक दिनन में तो सब एक ठोरे करी के ले आयो। सो श्री गुसाई जी महाराज आप यूं ही श्री यमुना जी में पधराई दीने। सो मेरो तो मनोरथ मन को ही मन में रहो। सो भगवत इच्छा। सो याही भाती तो सोच करत रात्रि भई। सो न कछु खायो न कछु पियो, भूखो वहाँ ही परी रहो। सो श्री गुसाई जी आप तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम ईश्वर हैं। सो सब वाके मन की बात जानी, जो वह क्षत्रि वैष्णव के मन में बहुत ही खेद भयो है। सो श्री गुसाई जी आप तो परम दयाल हैं, जो भक्त वत्सल करुणा सिंधु दया सागर हैं। सो खेद सही न सके। तब श्री गुसाई जी आप विचारे, जो जामे या क्षत्रि वैष्णव को खेद निवृत हो सो करिए। सो जब अर्धरात्रि भई, तब श्री गुसाई जी आप मेवा को डबरा भरी के अपने श्रीहस्त में लेके उठे। तब पूछे,
जो वह क्षत्रिय वैष्णव आगरे ते आयो हो सो कहाँ है? तब एक वैष्णव ने कही, जो महाराज वह तो बड़े सोच में है, सो कहू परी रही हो है। तब श्री गुसाई जी कहे, जो वाको जगाई ले आओ। तब एक वैष्णव जाए के वाको जगाई ले आयो। तब वह क्षत्रिय वैष्णव सो श्री गुसाई जी ने कहो, जो यह काकड़ा लेके श्री ठाकुरानी घाट के ऊँह चली। सो वह क्षत्रिय वैष्णव काकड़ा लेके आगे चलियो, ता पाछे श्री गुसाई जी आप चले। तब और वैष्णव साथ आवन लागे। तब श्री गुसाई जी आप सबन को बरजे, जो को साथ मती आओ। तब सब वैष्णव द्वार ते फिरी आए, सो श्री गुसाई जी आपकी बैठक में बैठे रहे। कहे, जो श्री गुसाई जी आप जब आवेंगे तब दर्शन करी के जाएंगे। तब श्री गुसाई जी आप अकेले और वह क्षत्रिय वैष्णव तीसरो को नाही। सो वह क्षत्रिय वैष्णव को संग लेके श्री गुसाई जी आप श्री ठाकुरानी घाट पधारे। सो जब घाट ऊपर आए, तब वह क्षत्रिय वैष्णव सो कहो, जो देखी तेरे वस्त्र श्री स्वामिनी जी अंगीकार किए हैं। सो वह क्षत्रिय वैष्णव देखे तो वे ही वस्त्र, वे ही साड़ी, लहंगा, चोली सब श्री स्वामिनी जी अंगीकार किए हैं, सब पहरे हैं। और श्री ठाकुर जी वही झरी को बागा पहरे हैं। ता पाछे श्री गुसाई जी वह क्षत्रिय वैष्णव सो कहो, जो तू यहाँ ठाड़ो रहियो, हम आवत हैं। सो वह क्षत्रिय वैष्णव को घाट पर ठाड़ो राखी के श्री गुसाई जी आप लीला में पधारे। सो ऊ लीला में मेवा को डबरा लेके गए। सो वहाँ जाई के मेवा को डबरा भोग धरियो और श्री गुसाई जी आप वहाँ उन ठाड़े रहे। ता पाछे श्री स्वामिनी जी श्री ठाकुर जी आप मेवा आरोगे, ता पाछे नृत्य किए। सो नृत्य वहाँ घाट ऊपर ते वह क्षत्रिय वैष्णव सब देखत हैं। सो देखी के अपने मन में बहुत ही प्रसन्न भयो, जो मेरे बड़े भाग हैं, जो मेरे वस्त्र श्री ठाकुर जी श्री स्वामिनी जी सहित अंगीकार किए हैं। सो श्री गुसाई जी की कृपा ते मोको रासलीला को दर्शन भयो और श्री गुसाई जी को श्री ठाकुर जी ने मेवा को महाप्रसाद दियो। सो लेके श्री गुसाई जी श्री ठाकुरानी घाट ऊपर आए, तब वह क्षत्रिय वैष्णव ने साष्टांग दंडवत कियो। पाछे कहो, जो महाराज तुम बिना मो ऊपर इतनी कृपा कौन करे? ता पाछे श्री गुसाई जी आप अपनी बैठक में पधारे। तब सब वैष्णव साष्टांग दंडवत करी के सोई रहे, अपने अपने घर गए। तब वह क्षत्रिय वैष्णव हूँ साष्टांग दंडवत करी के सोई रहो। ता पाछे श्री गुसाई जी आप हूँ पोढ़े। पाछे रात्रि घरी एक रही, तब उठी के देह कृत्य करी के स्नान कियो। ता पाछे श्री गुसाई जी आप भीतर पधारे और वह क्षत्रिय वैष्णव श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन मंगला आरती करी के श्री गुसाई जी को आई के दंडवत कियो और कहियो, जो महाराज आज्ञा हुई तो घर जाऊँ। तब श्री गुसाई जी आप कहे, जो राजभोग के दर्शन करी के जइयो। ता पाछे राजभोग आरती करी के श्री गुसाई जी अपनी बैठक में बिराजे। तब वह क्षत्रिय वैष्णव आयो। तब श्री गुसाई जी आप वासो कहे, जो तुम महाप्रसाद लेके जइयो। ता पाछे श्री गुसाई जी आप सब बालकन सहित भोजन को पधारे। सो भोजन करी के अपनी जूठनी की पात्री वह क्षत्रिय वैष्णव को श्री गुसाई जी आपने श्री हस्त सो धरे। तब वह क्षत्रिय वैष्णव महाप्रसाद लेके पाछे श्री गुसाई जी की बैठक में आयो और दंडवत कियो। तब श्री गुसाई जी आप को बीरा दे के विदा किए। सो वह क्षत्रिय आगरे में अपने घर आयो। भाव प्रकाश, या वार्ता को अभिप्राय यह है, जो श्री यमुना जी के विषय सकल लीला विद्यमान है, सो श्री आचार्य जी श्री गुसाई जी की कृपा हुई तब या प्रकार दर्शन हुई, ताते उनको एक दृढ़ आश्रय करनो और वैष्णव को श्री यमुना जी को स्वरूप अलौकिक करी जाननो यहू जताए। सो वह क्षत्रिय वैष्णव श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो, ताते इनकी वार्ता कहाँ ता ही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक क्षत्रिय जो आगरा में रहते, ये राजस भक्त हैं, लीला में इनका नाम नागर रंजनी है। तो इनके कपड़े की दुकान आगरा में थी और इनके पास बहुत उत्तम से उत्तम वस्त्र आते थे। तो जब एक बार श्री गुसाई जी आप आगरा पधारे, तब इनको श्री गुसाई जी के दर्शन हुए। तब इन्होंने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज मुझे शरण में लीजिए। तब श्री गुसाई जी ने इनको कृपा करके नाम सुनाया और दूसरे दिन निवेदन कराया और आज्ञा करी
कि तुम रूप चंदन नंदा का संग करना, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। तब से वह रूप चंदन नंदा के यहाँ नित्य भगवत वार्ता सुनने जाते। फिर एक बार इनके मन में मनोरथ हुआ कि मैं श्री गोसाई जी के सब बालक बहु बेटी को उत्तम से उत्तम वस्त्र पहराऊं। तब इनके पास जो जो उत्तम से उत्तम वस्त्र आते, खिंग खाप जरी आदि के सब वस्त्र ये अलग रखते। फिर एक दिन ये सब उत्तम वस्त्र लेके श्री गोकुल गए और श्री गोसाई जी को दंडवत करके उनके आगे धरे। तब श्री गोसाई जी ने वह सब देखे और आज्ञा करी कि ये वस्त्र तो श्री स्वामिनी जी के लायक हैं। तब श्री गोसाई जी ने वह सब श्री यमुना जी के मध्य धारा में पधरा दिए। तब वह क्षत्रिय वैष्णव तो अपने मन में बहुत सोचने विचारने लगे कि मैंने इतने उत्तम वस्त्र इतने समय में सब जमा किए और श्री गोसाई जी आपने सहज में ही वह सब श्री यमुना जी में पधरा दिए और मेरा मनोरथ तो मन ही में रह गया। ऐसा सब सोच विचार करने लगे। तब रात्रि हुई, तब कुछ भी खाया पिया नहीं और ऐसे ही भूखे सोए रहे। सो श्री गोसाई जी, आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, ईश्वर हैं, सब जानते हैं। तब आपने जाना कि वह क्षत्रिय वैष्णव के मन में बहुत खेद हुआ है। तब आप अर्धरात्रि में एक मेवा का डबरा अपने श्रीहस्त में लेके चले और एक वैष्णव को आज्ञा दी कि वह क्षत्रिय वैष्णव को उठाओ। तब वह वैष्णव ने वह क्षत्रिय वैष्णव को उठाया। तब श्री गोसाई जी ने वह क्षत्रिय वैष्णव से कहा कि तुम मेरे साथ श्री ठाकुरानी घाट पे चलो और बाकी सब यहीं रहो। तब वह क्षत्रिय वैष्णव आगे और श्री गोसाई जी आप उसके पीछे चले। तब आप श्री ठाकुरानी घाट पे पधारे। तब वह क्षत्रिय वैष्णव को दर्शन हुए कि वह सब वस्त्र साड़ी लहंगा चोली सब श्री स्वामिनी जी ने अंगीकार किया है और जरी का बागा श्री ठाकुर जी ने पहना है। तब श्री गोसाई जी ने वह क्षत्रिय वैष्णव से कहा कि तू यहाँ ही खड़े रहना, हम आते हैं। तब श्री गोसाई जी आप मेवा का डबरा लेके लीला में पधारे और भोग धरा। तब श्री स्वामिनी जी और श्री ठाकुर जी ने मेवा आरोगा, फिर आपने नृत्य किया, तो यह सब दर्शन वह क्षत्रिय वैष्णव को हुए। तब वह बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरे बड़े भाग्य हैं कि श्री गोसाई जी की कृपा से मुझे रासलीला के दर्शन हुए। फिर श्री ठाकुर जी ने श्री गोसाई जी को मेवा का महाप्रसाद दिया। वह लेके श्री गोसाई जी आप श्री ठाकुरानी घाट पे वापस पधारे। तब वह क्षत्रिय वैष्णव ने श्री गोसाई जी को साष्टांग दंडवत किया और विनती करी कि महाराज, आपके बिना मुझ पर इतनी कृपा कौन करता। फिर श्री गोसाई जी आप अपनी बैठक में पधारे। फिर आप पोढ़े और वह क्षत्रिय वैष्णव भी सोए। फिर सुबह श्री गोसाई जी आप सेवा में पधारे। तब क्षत्रिय वैष्णव ने श्री नवनीत प्रिया जी के मंगला आरती के दर्शन किए। फिर श्री गोसाई जी से विनती करी कि महाराज, अब मैं अपने घर जाऊं। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि राजभोग पश्चात जाना। फिर श्री गोसाई जी आप राजभोग की सेवा पहुंचकर अपनी बैठक में पधारे। फिर आपने भोजन किए। फिर वह क्षत्रिय वैष्णव को महाप्रसाद की पातल धरी। तब वह वैष्णव ने महाप्रसाद लिया। फिर श्री गोसाई जी ने बीड़ा देके उनको विदा किया। फिर वह अपने घर आगरा में आए। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि श्री यमुना जी में सकल लीला विद्यमान है। श्री आचार्य जी और श्री गोसाई जी की कृपा से इस प्रकार दर्शन होते हैं, इसलिए उनका एक दृढ़ आश्रय रखना और वैष्णव को श्री यमुना जी का स्वरूप अलौकिक करके जानना, तो वह क्षत्रिय वैष्णव श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभ वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, कापर वल्लभ मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारु गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभ वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।